आज के इस वीडियो में अपने पास जो डाउट है वो है सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स इज। फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स का सम हमने फाइंड आउट करके दिखाना है और इसमें 4 ऑप्शंस भी अपने पास है, इन ऑप्शंस में से एक चूज करना है। तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के जो सम का जो फॉर्मूला होता है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स वो होगा n इंटू एन प्लस 1/2। और इसको हम एपी वाले फॉर्मूले से प्रूव भी कर सकते हैं और डायरेक्ट वो लास्ट वाला फॉर्मूला यूज करें हम एपी में, जिसमें हम सम ऑफ n टर्म्स लिखते हैं n बाई 2 इंटू ए प्लस एल, ए प्लस एल। एपी में n टर्म्स के सम का फॉर्मूला ये भी यूज करते हैं हम, जिसमें a फर्स्ट टर्म है। तो नेचुरल नंबर्स का सम हम यूज करेंगे फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का, तो a फर्स्ट टर्म तो क्या होगी उसमें 1, और लास्ट टर्म क्या होगी n नेचुरल नंबर्स यूज करेंगे तो लास्ट क्या होगी n। तो इससे ये फॉर्मूला बन गया अपने पास। इसका मतलब बस इसमें वैल्यू पुट कर ले हम, इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब 50 नेचुरल नंबर्स का सम यूज करेंगे तो n की जगह 50 और n प्लस 1 क्या हो जाएगा 51 और बाई 2, और 2 से 50 डिवाइड होके 25, 51 से प्रोडक्ट होगा तो 25 1 के साथ 25, 2 कैरीज 25, 5 के साथ 125 और 2 127। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। दूसरी डाउट है डी इज ए रियल नंबर विद नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट्स। डी एक नंबर है जिसमें डिजिट्स टर्मिनेट नहीं हो रहे, इसका मतलब रिपीटेशन है इसमें। डिजिट्स ए वन एंड ए टू आफ्टर डेसिमल पॉइंट, कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं इसमें, ए वन और ए टू, टू डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं डेसिमल पॉइंट के बाद। लेट डी की जो वैल्यू है इस टाइप से क्या बनगी, 0.A1A2, A1A2, इसका मतलब A1A2 रिपीट होते रहेंगे। विद ए वन एंड ए टू बोथ नॉन जीरो, इन दोनों की वैल्यू जीरो नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन मल्टीप्लाइड डी नेसेसरीली गिव ए इंटीजर। इसमें जो नीचे जो अपने पास ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से क्यों कौन से को डी के साथ मल्टीप्लाई करवाएं कि वो एक इंटीजर वैल्यू दे। तो जब डी की वैल्यू हम लिखेंगे 0.A1A2 और इस पे बार लगा सकते हैं, इसकी रिपीटेशन है। तो अगर इस नंबर को हम सिंप्लीफाई करें, बार हटाएं इसका, तो हमने बता रखा है कि अगर बार हटता है डिजिट्स के ऊपर से तो उसके लिए डिवाइड में 9 यूज करते हैं हम, जितने डिजिट्स पे बार होता है उतने ही 9 डिवाइड में आ जाएंगे। इसका मतलब अगर इसका डेसिमल हटाया जाए तो ऊपर A1 A2 और नीचे कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं 2, तो नीचे क्या आ जाएगा 99। अब ये एक इंटीजर बनाना है हमने, इंटीजर बनाना है तो किससे प्रोडक्ट करवाया जाए ऊपर वाले नंबर्स में से। अगर ये इंटीजर वैल्यू देगा तो नीचे कुछ नहीं बचना चाहिए अपने पास, तो इसका मतलब जिससे हम मल्टीप्लाई करवाएंगे वो 99 का मल्टीपल होना चाहिए। इसका मतलब इसमें 99 का मल्टीपल कौन सा है, 198। तो किससे प्रोडक्ट करवाना पड़ेगा इसको इंटीजर वैल्यू के लिए 198 से।